दोस्तों, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है जो कि दादरा नगर हवेली से है। वहाँ से दीपक भाई कुराड़ा को भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। जो भी सिलेक्शन प्रणाली बैठी होगी वहाँ से उनका नाम फाइनल हुआ है, तो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी जो कि अब धीरे धीरे सभी राज्यों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और पूरे देश के जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ेगी वहाँ पे अब अपने कैंडिडेटों का, मतलब जो भी उम्मीदवार हैं उनके नाम अब धीरे धीरे फाइनल हो रहे हैं। और जैसे जैसे पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस की भी नींद उड़ रही है। जहाँ जहाँ भारत आदिवासी के प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं तो उनके लिए वहाँ पे बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो रही है। कहीं कहीं उन पार्टियों को डर सताने भी लगा है कि कैसे मुकाबला किया जाए। और कुछ ही जल्द, अभी कम टाइम पहले बनी पार्टी पूरे देश के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से माहौल बना रही है। तो और निश्चित ही पूरे दम के साथ में चुनाव लड़ रही है। तो लोकसभा दादरा नगर हवेली की भी घोषणा हो चुकी है। दीपक भाई कुराड़ को हमारी ओर से भी और हमारे चैनल की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार। और जो जो भी मेरे वीडियो के माध्यम से वहाँ के जो भी साथी हो वो भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत करें और अपनी आवाज़, आदिवासियों की आवाज़ को दिल्ली की संसद में बुलंद तरीके से, जो भी अपने प्रत्याशी जीत के जाएंगे वो रखेंगे। तो बिल्कुल ही आप एक मन में ठान ले कि अपन भारत आदिवासी के जहाँ जहाँ भी प्रत्याशी उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से साथ सहयोग करेंगे और बिल्कुल जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद, जोहार।